तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज का वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है, बिकॉज आज भाई हम टेस्टिंग करने वाले कोबरा मांझे की और मोनोकाइट वाले मांझे की, ठीक है ना। आज भाई हम पतंग उड़ा के भी दिखाएंगे और आपको पतंग काट के भी दिखाएंगे, ठीक है ना गाइस। असल में क्या था भाई, मुझे काफ़ी डिमांड आ रही थी आप लोगों की, भाई सर हमें कोबरा मांझे और मोनोकाइट की आप एकदम टेस्टिंग करके दिखाइए और उससे पतंग काट के दिखाइए। तो गाइस मेरा मानना तो ये है कि भाई आज मोनोकाइट कोबरा मांझे को काट ही देगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो गाइस मैं आपको इसमें बता दूं कि मैं इसमें कौन से मांझे से पैंच लगाऊंगा। पहले मैं आपको वे मांझे दिखा दूं, क्योंकि वे वाले मांझे मैंने खुद से यूज़ किए हुए हैं दोनों के दोनों, और वे मेरे पास बचे हुए भी है। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखा देता हूं अभी कौन कौन से मांझे हैं, ठीक है। गाइस आप देख सकते हो ये वाला कोबरा वाला मांझा है, ये वाला, इस वाले मांझे की धार है भाई बहुत बढ़िया। और मैंने इससे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, ये वाला मांझा वाकई में बहुत अच्छा वाला मांझा है। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, तो मैंने इस मांझे की आपको बॉक्सिंग भी करके दिखाई थी और इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाई थी, ठीक है ना। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं हम मोनोकाइट वाले मांझे की। इस वाले मांझे की मैंने पूरी अनबॉक्सिंग दिखाई थी अपनी मेरी पिछली वीडियोस में, ठीक है ना। चाहे तो आप जाके एक बार देख लेना मेरी कुछ मेरी पिछली वीडियो देख लेना, मैंने इस वाले मांझे की आपको फुल टेस्टिंग करके दिखाई थी। गाइस इस वाले मांझे की धार देखो जरा आप एक बार, क्या वह मांझा है। अभी हमारी पतंग पैंचे के लिए बिल्कुल तैयार है भाई, बिल्कुल एकदम बढ़िया एकदम सेट खड़ी है पतंग। दे पतंग दिखाओ, पतंग एकदम बिल्कुल सेट खड़ी है भाई। अब पैंच करते हैं इसके। अब गाइस मैं पैंच करने वाला हूँ, देखना उसकी पतंग दूसरे पुष्प हमारे जो दूसरा अपोनेंट था, अब उसकी पतंग काटेंगे हम। अब पैंच गिरने का तरीका मैं आपको बता दूँ, अपनी पतंग को हमेशा अगर पैंच गिर रहे हो आप, तो गाइस मैं आपको पैंच गिरने का तरीका समझा दूँ। अपनी पतंग जब भी आप पैंच गिरे तो भाई नीचे के पैंच गिरे, ठीक है ना। मैं ऊपर के पैंच प्रीफर नहीं करता, क्योंकि भाई मैं नीचे की पैंच ज़्यादा काटता हूँ। तो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए ये देखिए मैं नीचे गया उसके अच्छे से, और नीचे जाने के बाद में ये देखिए गाइस, और ये देखिए गाइस, और ये हो गए पैंच, ये देखिए गाइस हो गए पैंच, ये देखिए, ये देखिए गाइस गाइस पैंच हो रहे हैं बढ़िया वाले। वो देख सकते हो आप वो। सो गाइस आपको पता लग गया होगा भाई मोनोकाइट का वैसे कोई तोड़ नहीं है। वैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि भाई ये डुप्लीकेट वाला मांझा मैं लेकर आया हूँ, लेकिन ये डुप्लीकेट में ओरिजिनल वाला मुझे मिल गया था, क्योंकि मुझे मांझे की अच्छी तरह से पहचान भी है, ठीक है ना। पतंग दिखाओ, पतंग कहाँ है अपनी भाई, ये रही अपनी पतंग। और इधर दिखाओ, इधर कोई पतंग है क्या, देख लो। तो आप देख सकते हो गाइस अच्छे से, कहीं पर कोई पतंग नहीं है भाई। तो गाइस वैसे मोनोकाइट के सामने कोई भी मांझा नहीं टिकता अच्छे से। अगर मोनोकाइट फाइटर ओरिजिनल हो तो भाई वो टिक जाएगा, ठीक है। ये कोबरा सोबरा तो नहीं टिकेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैंने काफ़ी उड़ाई है इन मांझों से। तो भाई अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से काटी और कहाँ से ले जाएगी काटी, पतंग पकड़ना।
तो गाइस मैं अभी आपको समझा दूं मैंने उसकी पतंग काटी कैसे। वैसे मैं ऊपर के पैच प्रीफर नहीं करता, मैं नीचे के पैच हमेशा से प्रीफर करता हूं और नीचे के वाले पैच मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं। तो भाई मैंने उसकी पतंग काटी कैसे, ये सपोज करिए ये वाली उसकी पतंग थी और ये ऐसे जा रही थी, तो मैंने अपनी पतंग को ऐसे लिया नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ ऐसे उठा दिया। करने की ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ी, बस एक लच्छा हल्का से ऐसे हमारा ढील को देकर के इस तरीके से उसकी पतंग ऑटोमेटिकली कट गई, क्योंकि यार मंजे की धारी बहुत तेज थी। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। A few moments later. So भाई अभी हो गई है शाम और आसपास यहाँ आप देख सकते हो कहीं पे भी, ऊपर मैं आपको व्यूज दिखा दूँ पूरा, ये देख सकते हो अभी आप कहीं पे भी कोई, ये वाली पतंग हमारी है ये वाली ऊपर जो है, और कहीं पे भी कोई भी पतंग नहीं है भाई, कहीं भी कैसे भी कोई भी पतंग नहीं है, ये देख सकते हो अभी आप, ठीक है ना। तो भाई मुझे आप लोगों के क्वेश्चन मिल रहे थे, सर कोबरा मांजा में से और ये मोनोकाइट में से कौन सा वाला बेस्ट मांजा रहेगा हमारे लिए, आप टेस्टिंग करके दिखाइए इसकी। तो भाई मेरे पास खुद ये मांजे थे तो मैंने सोचा कि आपको इसकी मैं टेस्टिंग करके दिखाऊं और आपको समझाऊं कि भाई इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो आपने वीडियो में देख लिया होगा भाई कौन सा ज़्यादा मांजा कितनी देर तक टिका कितनी देर तक नहीं टिका। तो भाई ये थी मोनोकाइट की असलियत, ठीक है ना, और ये थी कोबरा की। भाई कोबरा ऐसा नहीं है कि घटिया मांजा है, कोबरा भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मोनोकाइट ज़्यादा हाई लेवल का हो गया, उसको नहीं काट पाएगा वो, ठीक है ना। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो पे, ठीक है ना, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके ही कमेंट के ऊपर रहेगी, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए, एंड ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग कुछ कमेंट करें और मैं उस पर वीडियो ना ले गया हूँ। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको किसी नए ब्लॉग पे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे और कुछ नहीं, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय भारत।